तो क्या आप हमारी दुनिया के किसी ऐसे शहर के बारे में जानते हैं जहाँ की घड़ियों में कभी भी आज तक 12 ना बजा हो? तो शायद ही आपने आज तक किसी ऐसे देश या फिर शहर का नाम सुना हो जहाँ की घड़ियों में आज तक कभी भी 12 ना बजे हों। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताएंगे जहाँ की घड़ियों में आज तक 12 नहीं बजे हैं, और इसके पीछे का जो माजरा है ये काफ़ी हैरान कर देने वाला है। तो आप ही सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो जैसा कि आप इस बारे में तो जानते ही हैं कि जो लोग हैं वह समय को देखने के लिए अपने साथ घड़ी को रखते हैं, और हमारी घड़ी में 1 से लेकर 12 तक के अंक होते हैं, यानी कि 1 to 12 डिजिट्स हमारी क्लॉक्स में पाए जाते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहाँ की घड़ियों में 12 डिजिट्स है ही नहीं, यानी कि 12 अंक है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर कभी भी 12 नहीं बजते हैं। और यह सुनकर आपको शायद हैरानी हुई होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। और स्विट्ज़रलैंड के सोलॉर्सन शहर के लोग 11 नंबर के पीछे इस कदर से पागल हैं कि उन्होंने अपनी घड़ियों में 12 जो डिजिट होता है ना, उसे ही गायब कर दिया है। दरअसल स्विट्ज़रलैंड के इस शहर की सारी घड़ियां जो हैं वह सभी ऐसी हैं जिनमें सिर्फ 11 तक के नंबर ही पाए जाते हैं, और यहाँ की जो चर्च और टेंपल हैं वहाँ पर भी लगाई गई जो बड़ी बड़ी घड़ियाँ होती हैं वहाँ पर भी सिर्फ 1 to 11 नंबर्स ही पाए जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस शहर में ज़्यादातर चीज़ों को भी 11 से ही रिलेट किया जाता है, यानी कि सबका जो रिलेशन है वह अप्रोक्सीमेटली 11 से किया जाता है। और यहाँ पर पाए जाने वाले जो पुराने झरने हैं, संग्रहालय हैं और जो टावर हैं उनमें भी 11 नंबर पाया जाता है। और यहाँ तक कि यहाँ पर एक मेन चर्च है, उस चर्च में 11 नंबर का जो इम्पोर्टेंस है वह साफ दिखाई देता है। चर्च को बनाने के लिए 11 साल लगे थे, साथ ही इसमें 11 दरवाजे और 11 खिड़कियाँ हैं, और शहर का जो जन्मदिन है वह भी 11 तारीख को ही मनाया जाता है, और लोगों को दिए जाने वाले जो तोहफे होते हैं उसमें भी 11 से ही कुछ ना कुछ जोड़ दिया जाता है, यानी कि जो गिफ्ट दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं 11 से रिलेट करे, इस तरीके के यहाँ पर गिफ्ट दिए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि शहर के लोगों का 11 से लगाव अभी से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है, और इसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। और इस कहानी के अकॉर्डिंग सोलॉर्सन के जो लोग हैं वह बहुत मेहनत किया करते थे, लेकिन मेहनत के बाद भी वो अपने जीवन में खुश नहीं थे। और तभी इस शहर की पहाड़ियों से एक एल्फ आया था, और उस एल्फ ने लोगों का हौसला बढ़ाना शुरू किया, जिससे लोगों के जीवन में खुशियाँ आने लगी, यानी कि लोग जो थे वह खुश रहने लगे। और कहानियों के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल क्लियर है कि एल्फ के पास अलौकिक शक्तियाँ थीं, और जर्मन भाषा में एल्फ का जो मतलब होता है वह 11 होता है, यानी कि 11 होता है। और इसीलिए सोलॉर्सन के लोगों ने हर काम को 11 से ही जोड़ना शुरू कर दिया, और यही कारण है कि वहाँ की घड़ियों में भी 11 डिजिट ही पाई जाती हैं।